बुक रखती थी। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदनी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं फ्लिपकार्ट से ये आप देख सकते हैं अपने किचन के लिए कुछ मैं मंगाई हूँ, तो वो मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा, तो ये मैं किचन के लिए एक रैक ऑर्डर करी थी। तो यहाँ पे आप देख, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें साइड में यहाँ पे ये लगाने के लिए दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको ओपन करके अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, देख सकते हैं, और हैवी भी है, काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको मैं ओपन कर दी हूँ, ओपन करके, और ये चारों साइड इसमें जो नीचे इसको स्टैंड टाइप में जैसे खड़ा होने के लिए रखा हुआ है तो उस पर लगाने के लिए वो दिया हुआ है, तो उसको मैं चारों जो है उसमें ऐड उसको अटैच कर दूँगी। उसको अटैच नहीं करना, उसमें थोड़ा सा ऐसे दबाने से उसमें अच्छे से लग जा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अभी यहाँ पे क्या है कि मैं इसको ओपन कर ली हूँ और उसको मैं जब किचन का पूरा मैं सोच रही हूँ अच्छे से, उसको पूरा सेट नहीं करी थी, उसको सेट करूँगी ना, तो फिर मैं उसी वीडियो में पूरा उसको सेट करूँगी और फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं अभी जा रही थी लंच बनाने के लिए, तो मैं सबसे पहले चावल और दाल दोनों को अच्छे से मैं क्लीन करके और भिंगो के रख दी हूँ। तब तक मैं सब्ज़ी काट लूँगी और फिर इसके बाद मैं दाल रख दूँगी। तो चलिए फिर मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो क्योंकि ये सारी सब्ज़ी काटना था तो इसीलिए मैं, मतलब थोड़ा बहुत काटना होता है तो मैं फिर खड़ा होके चॉपिंग बोर्ड पे मैं काट लेती हूँ, और नहीं तो फिर मुझे ज़्यादा ज़्यादा काटना होता है तो फिर मैं क्या आराम से इसमें बहुत जितने सारी सब्ज़ियाँ होती है उसको लेके और यहाँ पर मैं आराम से बैठ के काट लेती हूँ। तो इसके बाद मैं बनाऊंगी सब्ज़ी, दाल रख दूंगी और फिर सब्ज़ी, तो फिर लंच वगैरह सब बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी सारा कट कर ली हूँ और जितने सारे छिलके वगैरह हैं उसको मैं डस्टबिन में डाल दी हूँ, और ये सारी सब्ज़ियाँ हैं जो कि मैं अभी किचन में लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सारे सब्ज़ियों को काट ली हूँ और अभी आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे क्या है कि मैं दाल पहले से भिंगो कर रखती थी, तो ये जो मूंग दाल होते हैं छिलके वाले वो है, तो इसको अभी मैं अच्छे से इसको वॉश कर दूँगी ना, तो इसके सारे छिलके वगैरह निकल जाएंगे और इसके बाद मैं दाल रखूँगी। तो इसको मैं अच्छे से दो तीन बार मिक्स करके है और इसको वॉश कर दूंगी तो इसके सारे छिलके जो होते हैं वो निकल जाएंगे। और यहाँ पे अभी मैं दाल रख दूंगी, तो ये दाल मैं वॉश करके लेके आ गई हूँ और कुकर में मैं डाल दी हूँ और पानी वगैरह सब कुछ डाल दूंगी, और ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा इसमें हल्दी डालूंगी, टमाटर डालूंगी और नमक वगैरह डालूंगी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं मैं टमाटर डाल रही हूँ और थोड़ा सा लास्ट में मैं इसमें सरसों तेल डाल दूंगी ताकि दाल हमारा जो है वो बाहर नहीं आए। तो चलिए मैं सब कुछ डाल के और इसको रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं सारा, मतलब जितने सारे मुझे डालना था सब कुछ वो दाल में मैं डाल दी हूँ, और यहाँ पे मैं गैस पे रख दूँगी दाल। और इधर अभी मैं जाके देखती हूँ टाइम है कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी छोटे वाले बच्चे को लेके आना है। और यहाँ पे क्या है, तो फिर देखिए तो अभी टाइम था 30 मिनट्स था अभी, तो मैं सोचे ना कि एक दो बुक ये बचा हुआ है बड़ी वाली का, तो उसका मैं क्या था कि मैं सोच रही थी कि इसको कवर लगा देती हूँ ताकि फिर उसको स्कूल ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अभी उसकी वजह से वो नहीं लेके जा पा रही है, तो ये सारा यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए फिर मैं थोड़ा बहुत है जो जितना हो पाएगा उतना मैं लगा दूँगी और फिर मैं जाऊँगी उसको छोटे वाले को लेके आने के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं फिर, तो यही मैं ढूँढ रही थी, उधर देख रही थी बुक की और भी बुक्स हैं या नहीं।
तो चलिए जितने ये ज़्यादा नहीं बचे हैं, दो तीन ही बचे हैं, तो उसमें मैं कवर कर देती हूँ। कवर तो सब कुछ किया हुआ है, बस उसमें स्टेपलर मारना है मुझे। तो चलिए फिर इसको मैं मार के इसको रेडी कर देती हूँ। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी यहाँ पे मैं जैसे कवर लगा रही थी तो यहाँ पे उसका पिन ख़त्म हो गया था, तो उसको मैं डाल रही थी और काफ़ी अभी लेट होने लगा था, तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के चली गई। यहाँ पे मैं ड्रेस चेंज कर ली हूँ और मैं चाह रही हूँ छोटे वाले को लेके आने के लिए, तो चलिए फिर उसको मैं लेके आती हूँ। रुको। और यहाँ पे मैं लंच में बनाई थी दाल चावल और सैलेड, और इसके बाद बनाई थी मैं सब्ज़ी। तो सब्ज़ी अभी पकने के लिए रखी हूँ, अभी पका नहीं है, थोड़ा देर में वो भी पक जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं चावल और इधर हमारा पक रहा है सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं इवनिंग का टाइम है और मैं आई थी मार्केट, तो मुझे कुछ सामान लेना था। और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं धागा वगैरह का शॉप पे हूँ मैं, कुछ सामान लेना था बैग बनाने के लिए मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सामान लेके मैं जाऊँगी घर। तो अभी यहाँ पे क्या है, इवनिंग का टाइम है और दूध मैं गर्म करने के लिए रख दी हूँ, तो बच्चों को इसके बाद पिलाऊँगी। और